चैप्टर थ्री क्लास एलेवेंथ सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज का जो टॉपिक है वो लेखांकन की प्रथाएं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लेखांकन प्रथाओं से लेखांकन संबंधी परंपराओं का बोध होता है, लेकिन लेखांकन प्रथाओं का अलग से महत्व होने के कारण व्यावसायिक वर्ग में लेखांकन प्रथाओं का अलग से अस्तित्व बताया गया है। वर्तमान समय में लेखांकन प्रथाओं का काफ़ी रिसर्च हुआ है और उससे निम्नलिखित प्रथाएं प्रचलन में आई हैं। तो लेखांकन की प्रथाएं 10 हैं। पहला है पूर्ण प्रकट करने की प्रथा, कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पूर्ण प्रकट करने की प्रथा मतलब लेखांकन में जो भी लेन देन होते हैं उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाए। जहां पूर्ण प्रकट करने की प्रथा को नहीं अपनाया जाता, लेखांकन रखने का उद्देश्य वहां व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस प्रथा के अंतर्गत लेखाकार को किसी भी तथ्य को छिपाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पूर्ण प्रकटीकरण ही लेखांकन का प्रमुख आधार है। रीति रिवाज द्वारा यह लेखांकन परंपरा चलती आ रही है। कोई भी लेन देन खातों में लेखा करके अवश्य दिखाना चाहिए। सभी तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए, सभी लेन देन को, सभी क्रय विक्रय को, सभी लेनदार देनदार को, व्यवसाय संबंधित सभी पक्ष को। लेखांकन के रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। अगर वह मौद्रिक है तो निश्चित रूप से लेखांकन में दिखना चाहिए। इसी से कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, सकल लाभ, सकल हानि सही रूप में प्रस्तुत कर सकती है। कंपनी अधिनियम जो 2013 लागू हुआ है उसमें यह प्रावधान बताया गया है कि कंपनी को अनिवार्य रूप से अपने सभी तथ्यों को प्रकट करना चाहिए। जबकि एकल व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय में वैधानिक लाभांश और आर्थिक चिट्ठा बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन कंपनी के रूप में वह अति आवश्यक है और उसको दिखाना भी चाहिए। दूसरा है रूढ़वादी प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन तो रूढ़वादी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों को भी सम्मिलित किया जाता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में हानि हो सकती है, लेकिन लाभ को नहीं। जैसे रहतिया के बारे में कहा जाता है, रहतिया लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अपराय परिणों के लिए प्रावधान करना, संपत्तियों का ह्रासित मूल्य पर लेखा करना आदि, यहाँ देनदारों कटौती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ऐसा करना लाभ को उत्पन्न करना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूढ़वादी प्रथा में, लेखांकन की रूढ़वादी प्रथा के अंतर्गत चिट्ठे में संपत्ति को कम मूल्य पर तथा दायित्व को अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। इसलिए प्रथा का लाभान और चिट्ठे पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है प्रमुखता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इस प्रथा के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों का ही लेखांकन किया जाता है, सबका नहीं। महत्वहीन कोई तथ्य है, कोई लेन देन है, कोई घटना है तो उसको छोड़ दिया जाता है।
कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से तथ्यहीन हैं, इसका निर्णय जो लेखापालक होता है वह करता है। कभी कभी उसके लिए एक समस्या भी होती है कि सूचना के किस पक्ष को वह लिखे, किसको न लिखे। इसलिए लेखापाल को लेखांकन के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सतर्क रहकर लेखांकन प्रक्रिया को प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा है एक रूपता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। एक रूपता की प्रथा में लेखांकन पद्धति में समानता होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक ही पद्धतियां, जैसे लेखांकन में चार पद्धति है कुल, रोकड़ विधि, भारतीय लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और इकहरा लेखा प्रणाली, ऐसी चार प्रणालियां, चार विधियां लेखांकन बताई गई हैं। तो व्यवसाय को, संस्था को चाहिए कि वह किसी एक विधि को ही प्रतिवर्ष अपने लेखांकन के रूप में संस्था में लागू करें। जैसे यदि वित्तीय वर्ष मार्च से प्रारंभ होता है तो बाद में मार्च से सितंबर नहीं माना जाएगा। इसके अंतर्गत लेखांकन की जो प्रथा एक बार अपना ली जाए उसको परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थायी संपत्तियों के हराज के संबंध में होता है, हराज की भी जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं वही हमेशा अपनाई जानी चाहिए। अंतिम रहतिया के मूल्यांकन की जो विधि है, बाजार मूल्य या लागत मूल्य, किसी एक विधि को अपनाते हैं, जो दोनों में कम हो उसको अपनाते हैं। तो सभी संबंध में एक रूपता होनी चाहिए। एक ही विधि अपना करके वह विधि बार बार परिवर्तित न हो, नहीं तो लेखांकन का स्वरूप अलग अलग दर्शाने लगता है। पांचवा है लेखांकन की अवधि प्रथा, अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन। व्यवसाय के जीवन काल में अनेक ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे अध्याय आते हैं जिसमें व्यवसाय को कई वर्गों में बांट दिया जाता है। इसे ही व्यवसाय की अवधि कहते हैं। लेखांकन अवधि के आधार पर ही संस्था के अंतिम खाते, लाभांश खाते बनाए जाते हैं। अधिकांश लेखांकन की अवधि एक वर्ष मानी जाती है। एक वर्ष व्यवसाय की आदर्श अवधि भी मानी जाती है। एक वर्ष के अंतर व्यवसाय की संपूर्ण आर्थिक स्थिति का प्रस्तुतीकरण हो जाना चाहिए, उसको सार्वजनिक रूप से हो जाना चाहिए, सरकारी रूप से हो जाना चाहिए। सरकार उसी पर अपना कर का लेखांकन भी करती है। इसलिए लेखांकन में अवधि प्रथा का विशेष महत्व है, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लाभ पर ही सरकार व्यवसायिक संस्थाओं से करों की वसूली भी करती है। नेक्स्ट है शुद्धता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ एक्यूरेसी। व्यवसायिक संस्थाएं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लेखांकन के अंतर्गत जो वित्तीय सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उसमें शुद्धता का होना आवश्यक है। इस मामले में लेखापालकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे लेखांकन के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी लेखांकन कर रहे हैं, जो भी सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, वह हमेशा सत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए शुद्धता अवश्य ही होनी चाहिए। शुद्धता के कारण वर्ष के अंत में जो हम अंतिम खाता बनाते हैं उससे आर्थिक स्थिति संस्था की, शुद्ध लाभ की स्थिति सही रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट है मुद्रा संबंधी प्रथा, मॉनेटरी कन्वेंशन। प्रत्येक लेन देन जो मुद्रा में व्यक्त किए जाएं वही लेखांकन में दर्शाए जाते हैं। तो लेखांकन में मुद्रा इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह सही है कि लेखांकन में कुछ ऐसे परिणाम भी होते हैं जो बिना सही लेखांकन के या बिना सही प्रस्तुति के भी
कभी कभी किए जाते हैं, लेकिन लेखांकन में मुद्रा इकाई का ही प्रयोग किया जाता है। मुद्रा का मूल्यांकन मात्रात्मक होता है, लेकिन राशि स्तंभ में मुद्रा की इकाई की प्रदर्शित की जाती है। जिस व्यवहार में मुद्रा में लेखांकन नहीं किया जाता, उस व्यवहार को लेखाशास्त्र में लेखांकन में नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक लेखा प्रथा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कन्वेंशन। यह कॉमन चीज होती है एक प्रकार से कि लेखांकन उन्हीं सौदों का लेखा किया जाता है। लेखांकन में ऐसे सौदों का ही लेखा किया जाता है जो मुद्रा में हो सके, जिनका लेन देन रिकॉर्डिंग मुद्रा में किया जा सकता है। भविष्य में होने वाले सौदे का भी लेखा नहीं किया जाता। स्पष्ट है कि लेखांकन एक ऐतिहासिक लेख प्रथा है। लेखापालक द्वारा व्यवसाय की कार्यक्षमता जानने के लिए विवरण पत्र ऐतिहासिक लेखे के आधार पर ही तैयार किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है लेखांकन समीकरण प्रथा, अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। लेखांकन में गणितीय शुद्धता को भी ध्यान में रखा गया है और लेखांकन पद्धति में हमेशा बीज गणितीय समीकरण भी लागू किया जाता है। जैसे एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसेट्स प्लस लॉसेस। ये इक्वेशन है, इसके बेस पे हम अपने वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है व्यवसाय की निरंतरता प्रथा, कन्वेंशन ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। जब भी कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है, शुरुआत किया जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय हमेशा निरंतर चलता रहेगा। व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति जानकारी व्यवसाय के पूर्णतया बंद होने पर ही की जा सकती है, लेकिन व्यवसाय के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण स्पष्ट बनाए जाते हैं और उसी विवरण के आधार पर लाभांश बनाया जाएगा। लाभांश की सहायता से आर्थिक चिट्ठा बनाया जाएगा और एक निश्चित अवधि तिमाही छमाही या वार्षिक के आधार पर व्यवसाय की संपूर्ण आर्थिक स्थिति संबंध में जानकारी हासिल करके सरकारी करों का निर्धारण किया जाता है। लेखाकार यह धारणा करके चलते हैं कि व्यवसाय निरंतर लंबी अवधि तक चलता रहेगा। व्यवसायी भले बदलते रहें, परिवर्तित होते रहें, व्यवसाय का मालिक भले बदलता रहे, लेकिन व्यवसायिक संस्थाएं निरंतर चलती रहती हैं। ये हमारा फोन नंबर है, मोबाइल नंबर। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं।